जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम बात करने वाले हैं आज का लेक्चर में साइंस 40 प्लस एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो 10th लेक्चर है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अन्य लेक्चरों को। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। ठीक है, तो अगर छिली हुई सब्जियों को हम धो देंगे तो कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो इसमें कौन सा विटामिन निकलता है, विटामिन सी निकल जाता है। ठीक है, कौन सा विटामिन सी निकल जाता है हमारा। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर टू की बात करें तो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है। ठीक है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है, सुक्रोज, कैरोटीन, ठीक है, कैरोटीन हो गया, लैक्टोज और साइक्लोज। ठीक है, तो किसके कारण आती है, ये आती है लैक्टोज के कारण। ठीक है, किसके कारण आती है, दूध में मिठास लैक्टोज के कारण आती है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो कौन से प्रकाश का प्रभाव सबसे अधिक होता है, तो कौन से प्रभाव, नीला, हरा, पीला और लाल। ठीक है, तो कौन से का होता है, तो लाल का ही होता है, रेड का। ठीक है, रेड प्रकाश, जो रेड लाइट होती है रेड का, उसका प्रकाश ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो पौधों की लंबाई वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, पौधों की लंबाई वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है सोडियम, कैल्शियम का नाइट्रेट। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ये है, सोडियम आपका पौधों की लंबाई के लिए आवश्यक नहीं है। बाकी तीन तत्व, कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया और फास्फोरस हो गया, पौधों की लंबाई के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें तो सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक आयरन किस सब्जी से प्राप्त करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे अधिक आयरन हम प्राप्त करते हैं पालक, यानी कि हरी सब्जी से, पालक आदि से प्राप्त करते हैं, हरी सब्जियों से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होता है। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश अगर किसी प्रिज्म में से गुजारा जाए तो सबसे कम, ठीक है, सबसे कम कौन सा प्रकाश विचलित होगा, कौन सा वर्ण अगर विचलित होगा सबसे कम। ठीक है, तो कौन सा रंग, ठीक है, बैंगनी, हरा, लाल और पीला, सबसे कम कौन सा विचलित होता है, लाल रंग। ठीक है, कौन सा होता है, लाल रंग, रेड। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, तो लाल रंग की ही तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। ठीक है, लाल रंग की ही तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर एट की बात करें तो जब मैक नंबर एक संख्या, ठीक है, एक संख्या हो तो ध्वनि क्या कहा जाएगा ध्वनि को। ठीक है, तो जब मैक नंबर एक संख्या हो, एक नंबर हो, तो ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, ध्वनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्वनिक। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक जो सीडीएफडी, ठीक है, कहां स्थित है, जो डीएनए का फिंगरप्रिंट का जो लैब है डायग्नोस्टिक की, वो कहां स्थित है डीएनए की, तो ठीक है, तो आप बताएं इसका उत्तर, बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद। ठीक है, तो ये है हैदराबाद में। ठीक है, इसका आंसर जो डीएनए लैब है वो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, कहां स्थित है, हैदराबाद में। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर टेन की बात करें तो प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई है, प्रोटीन के निर्माण में अमीनो अम्ल जो होता है, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल,
अमीनो अम्ल की बात करें तो अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन के लिए क्या आवश्यक था, अमीनो अम्ल आवश्यकता। अमीनो जब प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। कितने अम्लों की आवश्यकता होती है, कितने अमीनो अम्लों की, 20। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था। ठीक है, ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो जीन का आकार होता है, जीन का आकार कैसा होता है, जीन का आकार होता है सर्पाकार। ठीक है, सर्पीला होता है जीन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता को अनुवांशिक गुण प्रदान करता है। ठीक है, बच्चे के पिता का अनुवांशिक गुण प्रदान करता है, तो कौन सी जांच होती है, पता कैसे चलता है, तो बच्चे का पिता ये है, तो ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से पता चलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के ही थे, तो इन्हें किसके लिए इन्हें वैज्ञानिक पुरस्कार, जो नोबेल पुरस्कार मिलता है, वो किस लिए मिला था, तो ये जेनेटिक कोड की खोज के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था, जेनेटिक खोज के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 16, डीएनए का मूल मात्रक है। ठीक है, डीएनए का मूल मात्रक होता है न्यूक्लियोसाइड्स होता है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स डीएनए का मूल मात्रक होता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, ऊतक है, एक ऊतक जो होते हैं, ऊतक क्या है, ऊतक होते हैं समान कोशिकाओं का समूह होता है ऊतक। ठीक है, ऊतक क्या होता है, समान कोशिकाओं का समूह होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो 19 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एक सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, कौन सी है, ब्रेड मोल्ड, यह है माइक्रोप्लाज्मा एक सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। ठीक है, कौन सी है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सी एक कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, माइक्रोप्लाज्मा। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 20, पराकण के लिए जो पोलनाइजेशन होता है, पराकण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है, तो पराकण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं होता है, ये आग आवश्यक नहीं होती है, बाकी हवा हो गया, पानी हो गया और कीट हो गया, क्योंकि उसमें से पराग में से क्या करते हैं, ये ले जाते हैं, और जैसे हवा से उड़ के चला जाता है दूसरे उसमें, और पानी से चला जाता है बारिश में बह के, और कीटों से चला जाता है, कीट जब वो करते हैं, ठीक है, तो इसमें से चला जाता है वहां पे, तो ये आग आवश्यक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, केला, बादाम और साइकस, तो किस में होता है ये, साइकस में फल तो होता है लेकिन बीज नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो नाशपाती में कौन सा भाग खाया जाता है, ये गुदगुदा पुष्पासन भाग खाया जाता है नाशपाती में। ठीक है, गुदगुदा पुष्पासन भाग खाया जाता है नाशपाती में। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर
23 क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो प्याज में खाद्य भाग है, जो प्याज होता है उसका खाने वाला भाग कौन सा है, वो प्याज का हम क्या खाते हैं, तना खाते हैं, ठीक है, तना हम खाते हैं प्याज का। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 24, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लगे लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, ठीक है, तो उसका क्या कार्य होता है, लेग हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन को का अवशोषण करना होता है, जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो लेग हीमोग्लोबिन होते हैं उनका ऑक्सीजन का अवशोषण करने का कार्य होता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण के जीवाणु हैं, ठीक है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के जीवाणु कौन से हैं, ये हैं राइजोबियम, कौन से हैं, राइजोबियम। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया और, ठीक है, तो किसके द्वारा होता है, निमेटेड के द्वारा, तो इस जो दूध खट्टा किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है, किसके द्वारा होता है, दूध खट्टा बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 28, की बात करें तो खसरा जो निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण होता है, ठीक है, खसरा रोग जो होता है, खसरा रोग किसके कारण से होता है, किसके संक्रमण से होता है, ये होता है विषाणु यानी कि वायरस से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 29, की बात करें तो शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये बनी होती है क्यूटिन, सुवेरिन, सेलुलर, काइटिन, इनसे नहीं बनी होती है, किससे बनी होती है, सेलुलोस से बनी होती है, किससे बनी होती है, सेलुलोस से बनी होती है, ठीक है, शैवालों की जो भित्ति होती है सेलुलोस से बनी होती है, इसकी दो परतों में होता है ये, ठीक है, दो परतों में होता है, और इसका जो सेलुलोज और पैक्टोज भी होता है, कहीं कहीं जब ऑप्शन दिया हो तो पैक्टोज भी होता है, ठीक है, ये अंतर निर्जीवी पदार्थों के, ठीक है, के द्वारा होता है, और ये मुख्य इनका जो कार्य होता है, अगर हम बात करें शैवालों की जो कोशिका भित्ति का कार्य की बात करें इनके, तो कार्य की बात करें तो ये कोशिकाओं को आकृति प्रदान करते हैं, ठीक है, एक तो आकृति प्रदान करते हैं अगर कोशिकाओं को, ठीक है, किस आकृति में होना है, आकृति प्रदान करते हैं, और जो एवं क्या करते हैं, इसमें कोशिका में जो होते हैं शैवालों में प्रोटोलॉज में होते हैं, जो प्रोटोलॉज में वो उनका उनकी रक्षा करते हैं, ठीक है, उनकी गार्ड होते हैं, ये रक्षा करते हैं उनकी, ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 30, साबूदाना आप खाते होंगे, साबूदाना किससे बनाया जाता है, तो साबूदाना किससे बनाया जाता है, जूनिपेरस से बनाया जाता है साबूदाने को, ठीक है, साबूदाने को किससे बनाया जाता है, जूनिपेरस से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 31, धनिया में उपयोगी अंश होता है, ठीक है, धनिया में उपयोगी अंश कौन सा होता है, धनिया में, ठीक है, धनिया का पेड़ होता है, तो धनिया में कौन कौन सा उपयोगी, हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं धनिया के पौधे में, तो धनिया के पौधे में हम एक तो हरी पत्तियां उपयोग कर सकते हैं और एक उसके बीज उपयोग कर सकते हैं बाद में, ठीक है, ठीक है, उसके सूखे फल। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 32, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग के अंग में प्रारंभ होता है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है, तो किस अंग में प्राप्त होता है, सबसे पहले मुंह में, पाचन अंग से प्रारंभ होता है, मुंह से, ठीक है, मुंह में हम चबाते हैं तो उधर ही से पाचन प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, मानव शरीर में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन ही प्राप्त होती है, क्या होती है, ऑक्सीजन ही प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहां पचता है,
मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहां पचता है? तो ये जो छोटी आंत होती है वहां पे मनुष्य का सब अधिकांश भोजन पच जाता है, जो नहीं पच पाता है वो बड़ी आंत में चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 35, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? ठीक है, अगर मीठा लगेगा तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, तभी मनुष्य को रोटी चबाने में क्या होता है, मीठा लगता है, कार्बोहाइड्रेट्स शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 37 है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का संबंध किस देश से है? तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो आर्किमिडीज सिद्धांत हम पढ़ते हैं, उन्होंने दिया आर्किमिडीज सिद्धांत और जल में तैरने के लिए, ठीक है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो आर्किमिडीज थे वो वैज्ञानिक कहाँ के थे? तो ये कहाँ के थे, ये थे सिराक्यूज सिसली के, ठीक है, इनका जो सिसली यूनान में पड़ता है, ठीक है, कहाँ के थे, यूनान के, ठीक है, यूनान के थे। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 38, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? ठीक है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? तो न्यूटन मीटर है एनर्जी का, ऊर्जा का, ठीक है, काहे का मात्रक है, ऊर्जा का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया दोस्तों 39, ठीक है, जो ब्लॉटिंग पेपर होता है उसमें स्याही सोखने में शामिल है, ठीक है, स्याही सोखने में क्या होता है, अगर हम किसी चीज को सोखते हैं तो सोखते में स्याही सोखने में क्या होता है, केशिकीय अभिक्रिया, ठीक है, केशिकीय अभिक्रिया परिघटना होती है इसमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट है एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी यूके को, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो कैसी लगी अंत में जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा, प्लेलिस्ट को शेयर करें अन्य ग्रुपों में, फ्रेंड के साथ, जिससे कि हमें सपोर्ट मिले और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बनकर तैयार होंगी, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड।